हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं ना आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी बज रहे हैं 6:30 या 7 AM, इस तरह टाइम हो रहा होगा। एक्चुअली मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ और दाल चावल बना चुकी हूँ। हस्बैंड दाल चावल ही खाएंगे नाश्ते में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकोड़े की सब्ज़ी, प्याज वाले पकोड़े की सब्ज़ी। आप साइड में देख रहे होंगे कि प्याज के पकोड़े जो हैं वो बनकर रेडी हैं और उसमें से बच्चों ने भी काफ़ी खाया। और तेजस और यशवीर को तो पकोड़ों की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी ये सब ना बहुत पसंद पड़ती है। तो बस सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता डाला है और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जार में मैं कुछ मसाले ग्राइंड करने के लिए डाली हूँ, जिसमें कि एक टमाटर है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, 9-10 दाने काली मिर्च की हैं, और लहसुन है और अदरक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी, अच्छे से महीन पीस लूँगी। तो ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, धनिया पाउडर और मिक्स सब्जी मसाला जो होता है वो, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये चार सब्जी मसाला इसमें डलेगा और उसके बाद ये जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था वो डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि मसाला तेल छोड़ दे और अच्छी तरह से मसाले सारे पक जाएं। और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। कटोरे में मैंने 1 बड़े चम्मच बेसन को डालकर पानी से अच्छी तरह से घोल लिया था, तो वही मैं इसमें डाल दूँगी। तो मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और उसके बाद मैं ये जो आप देख रहे होंगे डोंगे में पानी है तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद जो है लगातार हिलाती रहूँगी, नहीं तो बेसन फट भी जाएगी। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी कढ़ी को देखिए। पता नहीं दही वाली कढ़ी बनाती हूँ तो फिर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब मैं इस टाइप का कुछ 1 चम्मच बेसन वगैरह डाल के मैं कोई ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो इसकी जो ग्रेवी होती है ना, मुझे लगती है कहीं ना कहीं ये दानेदार क्यों हो जाती है, कहीं ये फट जाती है। लेकिन खाने के बाद ना वैसा टेस्ट नहीं आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे आप ये देख रहे हो ना थोड़े से। तो पता नहीं चलता, मैंने मम्मी को दिखाया था एक बारी, मैंने चाची को भी दिखाया तो बोली ये फटा नहीं है, ये ऐसे ही है। तो पता नहीं, अब आप मुझे बताना, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छी आती है। इस तरह प्याज के पकौड़े बना कर ना, ग्रेवी बना के उसमें आप सब्जी बनाओ इस तरह से, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। मैंने तो 1 चम्मच बेसन ऐड कर दिया था, बिना बेसन ऐड किए भी सिर्फ ग्रेवी रखो ना तो पतली वाली ग्रेवी, तो उसमें भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मेरे बच्चों को और घर में सबको पसंद है ये सब्जी। तो मैं मिलती हूँ आपसे और बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी बस मैं सब्जी बनाकर मैं आ गई थी, यशवीर की ऑनलाइन क्लास थी ना तो वो उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है। तो उस भी जब तबीयत ख़राब थी, 1 वीक मैं बीमार रही हूँ, तो वो ऑनलाइन क्लास खुद ही कर लेता था, मुझे बोलता नहीं था। लेकिन अब जब तबीयत ठीक है, देख रहा है कि मम्मी चल फिर रही है, तो बोलता है मम्मा आप पास में बैठे रहो, तो मुझे बैठना पड़ता है। अभी जैसे उसकी क्लास ख़त्म हुई है, वो हो गया है नीचे दादू के पास, नहाएगा, दादू उसको नहला देंगे। और मुझे रोटी बनाना है तो गरम गरम ही रोटी बना कर दे देती हूँ, लेट खाते हैं ना तो गरम गरम ही दे देती हूँ। तो घर का काम तो हो गया है, काम घर का काम करके चली गई है, लेकिन हेल्पर चाहे जैसे भी हो आपको खुद से काम करना ही पड़ेगा। मेरे घर का जो कंडीशन है, कल से मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया है, कल से मैं उठ रही हूँ, खाना वाना बना रही हूँ प्रॉपर। हस्बैंड बाहर से लेकर आते थे या फिर वो बनाते थे रात को, तो यही सब चीज़ें हैं। तभी बेडशीट वगैरह चेंज करना है, कपड़े रखे हैं सोफे पे, वो सब रखना है। और आप लोगों का दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज किया और मेरी आपको इतनी ज़्यादा चिंता थी, तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आप लोग मेरी इतनी चिंता करोगे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, मुझे नहीं पता था। और अभी ठीक है, फीवर नहीं हो रहा है, कल से फीवर नहीं है, लेकिन
सिर में दर्द रहता है काफ़ी, और थोड़ी सी वीकनेस, बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो चलिए गाइस अभी जा रही हूँ, पापा को नीचे रोटी बना कर दे देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। आवाज़ सुन रहे हैं, बारिश हो रही है, अचानक से ही शुरू हो गई बारिश। और अभी मैंने कपड़े जस्ट यहाँ पे ऐसे करके सिलाई मशीन पे ही रख दिया, अब अंदर लेके जाऊंगी तो तैरूंगी। तो दोपहर में खाना तो मुझे बनाना नहीं है, लंच में नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह में ही दाल चावल और पकोड़े की सब्जी बनाई थी, प्याज वाले पकोड़े की, तो वही है, वही खाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो मैं सेट लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, दो तीन दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, तो बारिश हो गई है, मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, ठीक है। हे गाइस, तो देखिए मैं बैठ गई ना कपड़े लेकर सेटने के लिए, थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है और सभी जगह जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ था वो सब मैंने ठीक किया है। और ये कपड़े ना एक हफ्ते से हॉल में सोफे पर रखा हुआ था, तो अब मैं इसको बैठी हूँ, उसको सेट के रखूँगी। मेरी पहली वाली हेल्पर जो थी वो ये सब काम करती थी, मुझे उसे बोलना भी नहीं पड़ता था। और ये नई वाली है ना, इसको इसका काम जिसके लिए मैंने रखा है अगर वो भी बोल दो ना कि ऐसे ठीक से कर ले, तो इसको गुस्सा चढ़ जाता है, मुंह फुला लेती है और निकल लेती है सुन के, करती भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे कितने दिन इसके साथ इस तरह से चल पाता है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि आपको कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत है तो मैं रख रही हूँ, और हस्बैंड भी बोलने लग जाते हैं अगर मैं बोलती हूँ ना कि मुझे कोई हेल्पर नहीं रखना है, मैं अकेले घर संभाल लूँगी, तो फिर वो बोलने लगते हैं कि नहीं तुम और तुम क्या क्या करोगी, ठीक है जैसे कर रही है करने दो। तो मैं ही सुन जाती हूँ बात कि नहीं हटाना है किसी को भी, कोई भी है तो वो करेगी अपना काम, तुम भी थोड़ा बहुत लग के कर लिया करो, उस टाइम से मुझे बोलते हैं। और ये जो चार पांच जो भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है, किस तरह से घर का हाल हो गया था ना मैं ही समझ सकती हूँ। खाना पीना सही से नहीं हो रहा था, दोपहर में बच्चे कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे, हस्बैंड आकर बनाते थे खाना, दो दिन तो पापा ने रोटी बनाया, तो इसी तरह से हम लोगों का दिन बीता है एक हफ्ता। तो सही बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग लोग और जो समझदार लोग हैं ना, वो सही बोलते हैं कि एक औरत से ही घर की रौनक है, एक औरत ही घर की लक्ष्मी होती है, और अगर किसी तरह से कुछ हो जाए तो पूरा घर क्या हाल होता है आप खुद समझ सकते हो। तो बस ये सारे कपड़े हैं ना, इन सबको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। कपड़े प्रेस करने वाले भी हैं, तो ये प्रेस करने वाले कपड़े पापा प्रेस कर देंगे, पहले मैं ही करती थी लेकिन थोड़ा हस्बैंड से गुस्सा गुस्सी करके ना मैंने प्रेस करना बंद कर दिया, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, तुम करती क्या हो, तुम करती क्या हो, डायलॉग सुनना पड़ता था। तो मैंने कहा लो मैं कुछ नहीं करती ना तो मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं कर दिया करूँगी प्रेस, सोची हूँ कर दूँगी थोड़ा बहुत, जब सब चीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ तो कपड़े क्यों ना प्रेस कर दूँ, कर दूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को तब भी नहीं रियलाइज़ होगा कि हाँ ये करती है, उनको लगता है ना कि मैं बैठी रहती हूँ मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये चारों काम तो होता नहीं है, जो मेन काम है, छोटे मोटे काम कौन देखता है, कोई नहीं देखता, छोटे मोटे काम तो किसी के नज़र में भी नहीं आते हैं। और ये कपड़े सैतना, बिस्तर ठीक करना, थोड़ी बहुत मेरी सिलाई मशीन पर भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, उन सब चीज़ को ठीक करते करते इवनिंग हो गया, आराम आराम से ही मैंने किया क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, बैठ बैठ के आराम आराम से कर रही थी, थोड़ा बैठ जाती थोड़ा लेट जाती तब जाके ये पूरा काम हुआ है। और बिस्तर ठीक करने के बाद फिर मैं अपने हेयर में ऑयलिंग करूँगी, कल मैं हेयर वॉश करूँगी। वैसे हस्बैंड काना को दूध का भोग लगा देते हैं, वही लगाते हैं ज़्यादातर, और कल मैं हेयर वॉश करूँगी फिर अच्छी तरह से, क्योंकि मैं दो दिन तीन दिन तो मैंने नहाया भी नहीं था, मैं नहाई भी नहीं हूँ, आज भी मैं नहीं नहाई हूँ, आज मना कर दिया था, हम चाची ने ही मना कर दिया था कि नहीं नहाना है। तो कल मैं हेयर वॉश करके अच्छी तरह से नहाऊँगी, फिर उसके बाद कहना है कि जो भी सेवा होती है वो मैं करूँगी। मम्मा गाली
मतलब क्या तुम लोग क्या समझ रखे हो ये बताओ। वीडियो चल रहा है तो दादा? नहीं वीडियो चल रहा है तो नहीं मम्मी। देखिए मैंने अपने बालों में अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लिया है और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करूँगी जितने बजे मैं उठती हूँ। अगर उतने बजे उठ गई तो फिर तो ठीक ही है, नहीं तो फिर लेट ही सब हेयर वॉश करूँगी। काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा लिया है मैंने, तो अभी जो है मैंने 3 ऑयल मिक्स करके लगाया है, एक कैस्टर ऑयल और एक है नारियल तेल और एक है आंवला ऑयल। तो तीनों तेलों को मिक्स करके मैंने अपने हेयर में लगाया है और एक दो ऑयल मुझे ख़रीदना भी है। मैं लाइव जब आई थी तो मैंने आपसे एक ऑयल के बारे में बात की थी जो कि था सेसा ऑयल, है ना? तो सेसा ऑयल मैं ख़रीद के लेकर आऊँगी। अब कि वो ऑयल जो है ना अप्लाई करके देखूँगी, देखती हूँ कि उसका अब मेरे हेयर पर क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि पहले मैं वो लगाई थी ना तो उससे मेरे बाल काफ़ी लंबे हुए थे। ये तो किससे मिलने के चक्कर में मैंने अपने जो हेयर लेंथ है ना मतलब कमर से भी ऊपर मतलब काफ़ी छोटे करवा लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे इनसे फर्स्ट टाइम मिलना था, शादी से पहले मिलने आना था, तो इस करके मैंने अपने हेयर कटवाए थे। तो तब से मैं इतने लंबे नहीं रखती हूँ। अभी भी आप लोग जो बार बार बोलते हो ना हेयर कट हेयर कट हेयर कट, तब करके थोड़े से इतने लंबे हो गए हैं मेरे हेयर, नहीं तो मैं इतने रखती भी नहीं हूँ। मुझे ठीक ठाक अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लंबे हेयर मुझे पसंद तो है लेकिन मैं रखना नहीं चाहती हूँ। और हस्बैंड भी बोलते ही हैं कि अपने हेयर कट करवा लो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं कट करवाऊँगी। तो तो मैं सेसा तेल ख़रीद के लेकर आऊँगी, वो लगाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसका रिव्यू कैसा है। एक्चुअली वो ऑयल जो है ना किसी किसी के सूट नहीं करता है, और कई बार होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो उससे हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर सूट हो जाता है आपके स्कैल्प में वो सेट बैठ जाता है तो फिर वो बालों को लंबा करना स्टार्ट करता है, रीग्रोथ स्टार्ट करता है। ऐसा उसमें मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, इस करके मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस बस शाम के टाइम हो गया है तो जा रही हूँ, बच्चों को दूध दे देती हूँ, और रात को मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, दाल रखी हुई है तो पापा और दोनों बच्चे दाल रोटी खा लेंगे और हस्बैंड और मैं दूध रोटी खाएंगे आज। आज दूध रोटी ही चलेगा आज। पता नहीं क्यों मुझे फिर से ना अजीब सा ही तबीयत, मुझे सही नहीं लग रही है फिर से। तो थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर जो है चेक किया था तो 99 था, तो 99 वैसे फीवर होता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना अजीब सी जो है थकावट उससे फील होने लगती है। तो मैं अपना व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं जानती कुछ खास तो है नहीं मेरे व्लॉग में, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छी लगी हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। लव यू ऑल, बाय।